अयोध्या में बदमाशों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि बदमाशों द्वारा फायरिंग में पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अयोध्या कैंट पुलिस व स्वात टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कोतवाली नगर के अग्रसेन चौराहे के पास कुछ बदमाश लूट की योजना बना रहे हैं। तभी कैंट पुलिस व स्वात टीम ने उनका पीछा किया और यह पूरा कलंदर के डाभा समेर के पास भागने का प्रयास कर रहे थे। तभी हांसापुर नहर के पास पुलिस ने घेर लिया और फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश आजमगढ़ के बताए जा रहे हैं। यह लूट और जहर खुरानी का काम करते हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में 1-1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। इनके पास से अवैध असलहे, एक कार और नकदी बरामद हुई है। बीती रात स्वाट टीम और थाना कैंट पुलिस की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। ये बदमाश शातिर अपराधी थे जो पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुके थे। 3 जनपद आजमगढ़ के रहने वाले थे। इनके साथ मुठभेड़ डाभा सेमर जाने वाली सड़क जो रायबरेली रोड से जाती है वहां पे हुई और इसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। घटना कुछ इस क्रम रही कि अग्रसेन तिराहे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान ये वहां से भागे और दूसरे जगह पे जब इनको ब्लॉक किया तो वहां से फिर ये डाभा सेमर की तरफ भागे और पुलिस टीम पे लगातार फायरिंग कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में इन्हें गोली लगी। इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है। ये 3 अपराधी पंकज निषाद, अखिलेश और अजय हैं जो जनपद आजमगढ़ के रहने हैं और इनपे 1 पे 10, 1 पे 4 और 1 पे 12 मुकदमे पूर्व के पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, जहर खुरानी, लूट, गैंगस्टर इत्यादि के मुकदमे हैं।